हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मम्मी हमें बहुत अच्छी स्टोरी सुनाने वाली है, तो अगर आपको भी सुननी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हे भगवान, तूने हिंदी क्यों बना दी? और अगर हिंदी बना भी दी तो ये मुहावरे क्यों बना दिए? इन्होंने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। अरे वाह, अंताक्षरी खेल रहे, क्या बात है, आज तो बच्चों ने मजा डाल दिया और वो भी पुराने गानों के साथ। चलो कुछ तो करें, लड़ने से बेटर है। चलो अच्छी बात है। अब तू चुप हो जा, अच्छा बेसुरी है मेरी बोली। हाँ वो तो कह रही हूँ, तेरी बोली बेसुरी है। ये क्या है, तो फिर से लड़ रही है, फिर लड़ने की आवाज आ गई। इन दोनों की तो कमाल ही है इन बच्चों का, सही में ना पता नहीं, सारा दिन लड़ाई के बिना इनका काम ही नहीं चलता। गाना गाने से क्या मुहावरे क्लियर हो जाएंगे? जिन्हें कैसी बात करती हूँ बेटा, तो फिर करे क्या यार, पता नहीं भगवान ने हिंदी क्यों बनाई, और अगर हिंदी बना भी थी तो मुहावरे क्यों बनाए? अच्छा मुहावरे क्यों बनाए, और आप क्या उसे बेसुरा बेसुरा गाए जा रहे हो, कहे जा रहे हो, कोई तरीका है बेटा? खुद होगी बेसुरी, अब फिर शुरू हो रही है यार। मम्मी है बेसुरी तो सच सच तो बोलूंगी ना। तू है समझ नहीं आती तुझे, तू है दिन जिन्नी और ध्वनि मेरी आंखों के तारे अपना उल्लू सीधा करके आंखें चुरा कर 9-2-11 होना चाहते थे। जाते जाते मम्मी बोली, बेटा जिन्नी और ध्वनि तुम दोनों मार्केट जा ही रही हो खिलौने लेने, तो मेरे लिए सब्जी भी ले आना, एक पंथ दो काज ही हो जाएंगे।
अब रास्ते में दोनों को एक डॉगी दिखा। डॉगी को देखकर चिन्नी के तो रोंगटे खड़े हो गए, कलेजा मुंह में आ गया। और फिर रानी ने हिम्मत दिखाई और डरी नहीं। अब मम्मी का फोन बजा और गार्ड ने मम्मी को ये खबर दी। खबर सुनते ही मम्मी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ी टूट पड़ा। जैसे तैसे मम्मी ने हिम्मत जुटाई और अपनी कमर कस ली। पर ये क्या, जिन्नी और ध्वनि तो घर आ गए। जिन्नी और ध्वनि को सही सलामत देखकर मम्मी ने चैन की सांस ली और फूली ना समाई। और फिर क्या, घर में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी और घर के सभी सदस्यों के चेहरे पे चार चांद लग गए। वाह मम्मी, क्या स्टोरी थी, मुझे तो पूरी समझ में आ गई और पूरी रट गई। हैं सच्ची में? हाँ। तेरे को भी आ गई पूरी समझ में? इसको क्या, मुझे भी आ गई रट। हैं आपको भी रट गई? वाह जिन्नी, पूरी स्टोरी। हाँ पूरी। और एक एक चीज एक्सप्लेन भी हो गई। आज तो मैंने जिन्नी और ध्वनि पे एक स्टोरी सुनाई थी। हैं मजा आ गया है ना? है ना? और हाँ मैडम, स्टोरी रट गई और ये मुहावरे नहीं रटे जाते हैं। मुहावरे तो भाई मुहावरे हैं। अच्छा मुहावरे मुहावरे वो याद ही नहीं होते बेटा। जिन्नी और ध्वनि मेरी आंखों के तारे, अपना उल्लू सीधा करके आंखें चुरा के 9-2-11 होना चाहते हैं। वाह मम्मी, क्या दिमाग लगा है आपने तो, पूरे मुहावरे मुझे रटवा दिए स्टोरी के थ्रू। देखा बेटा, कुछ भी काम मुश्किल नहीं होता, अगर उसे करना चाहो उसका एक सही तरीका होता है। आप फ्रस्ट्रेट होके पढ़ोगे तो वो आपको झुंझलाहट देगा ही देगा, लेकिन आप उस चीज को समझ के पढ़ोगे तो वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने अभी स्टोरी के थ्रू तुम्हें सारे मुहावरे क्लियर कर दिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये मुहावरे वाली स्टोरी बहुत 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 पसंद आई होगी। तो इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए बाय बाय।